नमस्कार दोस्तों, मैं दिब्यंदु मांडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसल सिग्नल का सॉरी मैं कल के लिए मतलब जो 4 दिसंबर 2019 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करता हूँ। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और मेरा परफॉर्मेंस वाला वीडियो और मेरा जो बाइसल सिग्नल कम स्किनर वाला जो वीडियो है वो भी आप लोग देखेंगे, क्योंकि ये इसका थ्रू में मैंने इसका लेवल रात रेगुलर व्यू देता हूँ, तो ये आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो ये फाइल भी आप लोग मैंने वो बाद में वो भी इस वीडियो का एंड में दिखाऊँगा, तो और रात में उसका लेवल दिखा दूँगा। तो ये आप लोग वीडियो जो अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये सब वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा और ये आप लोग को लाइव मार्केट में बहुत ही काम पे आएगा और डिसीजन लेने के लिए लाइव और अगला दिन आप लोग का ट्रेडिंग का प्लानिंग करने के लिए आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल होगा। और मेरा YouTube वीडियो पे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को और भी बहुत सारा चीज़ का हाउ टू टेक सेफ एंट्री, हाउ टू सिलेक्ट लॉन्ग टर्म स्टॉक्स, हाउ टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग इन थ्रू आर्बिट्रेज एंड हेजिंग मैकेनिज्म, पेयर ट्रेडिंग एंड बहुत सारा चार्ट का सेटअप जो आप लोग को रेगुलर बेसिस पे 90% एक्यूरेसी के साथ प्रॉफिट दिला सकता है वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये आप लोग इसको वीडियो ये मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए निफ्टी का 50 का मैंने चार्ट ओपन किया हूँ, तो इस चार्ट में देखिए मैंने ये आप लोग को ये चार्ट दिखाता हूँ रोज़ और इसलिए फिबोनाची लेवल मैंने ड्रॉ कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने जो जैसे बोला था वो 61.8% के पहले अगला दिन सपोर्ट ले रहा था 61.8% को, तो आज ये 61.8% को नीचे आके ये क्लोजिंग दिया है, तो लगता है कि ये अभी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में ही आएगा। तो इसमें इसके बाद इसको 11924 के आसपास आना चाहिए, उसके बाद 11870 उस लेवल तक आ सकता है। और इस और इसका ये जो 11830 तक आ सकता है, उसके बाद 11791 तक भी आ सकता है, तो ये भी इसके आना चाहिए। तो और इसके बाद थोड़ा सा करेक्शन होगा तो ये पहले 12071 के ऊपर जाना पड़ेगा, उसके बाद 12137, उसके बाद 12000 के ऊपर जा सकता है। और निफ्टी बैंक का मैंने चार्ट दिखाता हूँ, तो देखिए इधर 38.2% को ये क्रॉस कर रहा था, लेकिन 38.2% में वो रिट्रेस होकर फिर से नीचे आ गया है। इसका देखिए इसके बाद ये आ सकता है 11500 ब्रेक करेगा तो इसका ये 11350 का लेवल में आ सकता है, उसके बाद 11900 उसके बाद 30500 तक आ सकता है। तो देखते हैं कितना कौन सा जाना पड़ेगा, लेकिन आप प्रोबेबिलिटी जो दिख रहा है तो डाउन ट्रेंड में जाने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। और इधर मैंने ऑप्शन चेन देखूंगा तो निफ्टी का जो ऑप्शन चेन एनालिसिस करता हूँ तो इधर पीसीआर रेशियो 0.78 है, मतलब अभी तक 0.75-1 का रेंज में है, तो ये कंसोलिडेट करके मतलब साइडवेज मूवमेंट में एक नीचे आ रहा है, जब 0.75 से 50 तक के अंदर ये नीचे आ सकता है और उसके बाद और भी नीचे आएगा, तो उसके बाद फिर वो कॉन्ट्रैक्टेड ले सकता है, मतलब ऊपर जा सकता है। तो इधर देखिए सब रेजिस्टेंस बना है कॉल साइड में 12100 में, 12100 में इसमें इधर कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है और इधर पुट साइड में सपोर्ट है, इसका सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है 11900 में और इधर भी शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है और इधर
जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जितना है इससे ज़्यादा इधर सपोर्ट में सपोर्ट में देता है, इधर सपोर्ट में रेजिस्टेंस में इसका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब इधर शॉर्टिंग ज़्यादा हो रहा होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है और इधर भी शॉर्टिंग होगा लेकिन इधर भी शॉर्टिंग होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और इधर देखिए, इधर जो ऑप्शन चेन में ये जो इन द मनी जो पुट साइड है, इन द मनी जो पुट है इसमें लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहा है, इसका मतलब इधर मार्केट जब आप जाने के लिए ये रोक रहा है, तो इधर यही पॉसिबिलिटी चालू है तो मार्केट को नीचे आप जाने का प्रोबेबिलिटी अब ये मतलब बियरिश ट्रेंड पावर थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये ऐसा मेरा इन वन ओपिनियन ऐसा होना चाहिए, ये आप लोग भी ऑब्जर्व कर सकता है। और बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में देखिए ये 0.73 हो गया है, ये नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा और भी ज़्यादा है और इसका रेजिस्टेंस है 12,32,000 में और 31,000 में इसका 31,000 में इसका शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, 31,000 में इसका मतलब सपोर्ट है, तो मैंने थोड़ा सा रेंज थोड़ा सा दूरी पकड़ा, इधर मैंने 31,500 भी पकड़ सकता हूँ, तो इधर देखता है इधर शॉर्ट कवरिंग आप लोग देख सकता है, इधर शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, तो मतलब इधर लॉन्ग बिल्डअप और इधर शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि नीचे जाने का इंडिकेट कर रहा है। और इधर इनका इन लोग ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रोबेबिलिटी मैंने कैलकुलेट किया हूँ, तो इधर 11,900 में सपोर्ट के आसपास जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, मतलब नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और इधर 31,000 मैंने बैंक निफ्टी का हॉरिजन मैंने ज़्यादा पकड़ा, आप लोग जानते हैं बैंक निफ्टी का 1,000 पॉइंट मूवमेंट 2 दिन में ऐसा खास कुछ बड़ा बात नहीं है, तो इसमें मैंने 31,000 में रेंज पकड़ा तो ये अप ट्रेंड दिखा रहा है, लेकिन 32,000 में जाने का पास, लेकिन मैंने इधर 31,500 कर दूंगा, तो आप लोग देख सकता है इसका प्रॉफिट कैसा आ रहा है, तो ये इसका मतलब 31,500 के 500 या 500 के नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो यही है अब टोटल पिक्चर। और मैंने जो बाय सेल लेवल का स्किनर बनाता हूँ उसका थ्रू में मैंने रेगुलर व्यू भी आप लोग को देता हूँ, इधर से भी आप लोग को ट्रेंड का पता चलता है कौन सा लेवल पे है। देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो आप लोग को मैंने अभी तक ये अपडेटेड नहीं है, ये कल का है, तो मैंने अपडेटेड करके मन में रात में दिखाऊंगा, तो ये ट्रेंड इससे भी आप लोग को ट्रेंड का पता चलेगा कौन सा लेवल पे है, इसमें बहुत सारे इंडिकेटर भी लगा हुआ है, उसमें से आप लोग को पता चलेगा देखिए कौन सा ट्रेंड में हो सकता है। और मैंने इससे मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे, मेरा पेड सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तो इसका पूरा फाइल आप लोग को मिल जाएगा, ये इसका थ्रू में कैसे इसका थ्रू में कैसे स्क्रीनिंग करता है और कैसे मतलब स्क्रीनिंग करके आप लोग प्रॉफिट निकल सकता है वो भी आप लोग देख सकता है, मैंने दिखा दिया। और इसका लेवल भी आप लोग यूज़ कर सकता है लाइव मार्केट में, अगला दिन जब ट्रेड करेंगे तो इसका लेवल सब आप लोग मान के चल सकता है, तो आप लोग को 90% एक्यूरेसी के साथ ये प्रॉफिट ही दे सकता है और लाइव मार्केट में डायरेक्शन क्लियरली आप लोग को समझने के लिए हेल्प करेगा। तो मैंने ये और भी कुछ दिखाना चाहता हूँ जो कुछ स्टॉक मार्केट के बारे में जो मेरा लगता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने सीखा हूँ वो आप लोग को साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो आप लोग इसको देखिए थोड़ा। देखिए सम इम्पोर्टेंट वर्ड रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट, कीप योर एक्सपेक्ट मार्केट से जो एक्सपीरियंस है और मैंने एजुकेशनल जो मैंने जो सीखा मैंने सीखा हूँ, तो इसीलिए मैंने ये बोलता हूँ, पोजिशन साइजिंग एंड स्टॉप लॉस इज द मोस्ट अटमोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द स्टॉक मार्केट, इट्स आई कैन क्लेम दैट आई हैव 90% एक्यूरेसी, आई हैव लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स एंड एक्सपीरियंस एंड आई हैव एनालाइज थॉरली वेयर आई एम मेकिंग मिस्टेक्स, इट इज़ द पेशेंस टू एंटर द करेक्ट एंट्री पोजिशन साइजिंग एंड स्टॉप लॉस, सो सेफ एंट्री इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हिच हैव हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर प्रॉफिट एंड